भी दूर तक का शुद्धता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई जो कपड़े फटाफट बुन देती हैं। पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे, और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, एक मैनुअली हैंडल करके, एक हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी उसके अंदर से निकाल देते, एक एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, और इतने पतले धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे, एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो कप थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है, ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है, और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हमें खाएगा, और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तू कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा, ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमय माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो नाम मात्र सा रह जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने भविष्य की चिंता करने लगोगे। मौत बिसारी बावले अचरज किया कोने, तन माटी में मिल जागा जो अटे में लोने। परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रसन्न किया था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहां भगवान बंदी छोड़ कबीर साहिब जी कहते हैं कि मौत बिसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो अट्टे में लोण। आपका कितना सुंदर शरीर, जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज पर 2-3 लाख रुपये लगने हों, तो वो पैसे भी लगा देगा, अपनी कोई ज़मीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नामो निशान नहीं मिलेगा।
ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टिगोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंक सब सावधान क्यों ना हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को या सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो, इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंक सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से आने वाले उस दिन को याद रखो, फिर बुराई नहीं कर सकते आप, पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्री खे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं, जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वह भी आपकी तरह ठाट से राह करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तौकात क्या है। ऊंचा दिख है धौलहरा ये मंडी चीती पोले, एक हरी के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोले। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है, रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगमरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा अरमंडी चीती पोले, एक हरी के नाम बिना ये जम मार है रोल। ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल, कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी जो आज भगवान नहीं बज रहे, गधा बनेगा प्रॉब्लम अ प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम अ प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। कबीरा देवल ढह पड़ा ये ईंट वही संघार, कोई चे जारा चुनिया मिलान दूजी बार। का चुनावे मैडिया ये चुना मटी लाए, मौत चुनेगी पापड़ी तन दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबी लंबी कोठियां बनान लग रहा है, और यह मौत पापड़ी तन एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी और ये कोठी तेरी यहीं रह जाऊंगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफ़ी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया, वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहाँ पर मार्केट बना रहा था, और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी,
अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी, वहाँ जो वर्कर काम करें थे उनको पेमेंट की, और वो वर्कर वहाँ बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बछा रखी थी और ठंडा पानी की वहाँ व्यवस्था थी, तराई के लिए नहान लाग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया, और गिर गया कि मर लिया खड़े खड़े, उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, कहां चुनाव है, मेंडिया मेंडिया मतलब बड़े बड़े कोठियां, और चुना माटी ला, और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कहा चुनाव है मेडिया ये लंबी भीत उसार, घर तो साढ़े तीन हाथ भाई घना तो पौने चार। परमात्मा कहते हैं कि क्यों लंबी लंबी कोठियां, एक कोठी में छह कमरे, फिर डबल स्टोरी, फिर ट्रिपल स्टोरी। परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पर सोना है और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं घर तो साढ़े तीन हाथ और गणा तो पौने चार, एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के साढ़े तीन हाथ, साढ़े तीन हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाप के देख लिए, उसका लंबाई साढ़े तीन हाथ की होती है और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं गर्ता साढ़े तीन हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जाए उसमें, और गणा तो पौने चार, यानी गणा कर तीन इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यो है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। जिसको अट्ठी बंगले के बनाने के लिए ना जाने कितने दो नंबर के काम कराए, या कर्जा वर्जा ले गए कोठी बनावे दुनिया में लोग दिखावा करने के लिए, फिर वो कर्जे वाले पीछे पीछे आप लुकता फिरे, सो झूठ को लाज को ना कह दे घर के बाहर जा रहा है, वो दिन की चैन रात की नींद दोनों गई। तो इस प्रकार हमने समाज लोक को नहीं देखना है, हमने अपने मालिक के ज्ञान को ही आधार बना के अपना जीवन सुचारू करना है। कबीर पांच तत्व का पुतला मानुष दरिया नाम, चार दिना के कारण है ये फिर रोक ठाम। अब क्या बताते हैं, ये पांच तत्व की बना हुआ ये मिट्टी का शरीर, इसका मानुष डर दिया नाम, और चार दिना का जीवन है, पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोठी बनाता है, गुड़गांव में एक प्लाट ले लिया, हिसार में एक बड़ा बड़ा मकान ले लिया, जींद में अर्बन स्टेट में कोठी ले ली। परमात्मा कहे दो दिन का जीना है और पता नहीं कित कित स्थान रोके बैठा है, और मेरे पास फिर भूत बनकर सैर सपट्टे करेगा, कदे उसको ठीक है देखने जा, कदे उसने, और घरवाले के एक रहा कर मृत्यु होते ही उसको तो ले कर जाएंगे शमशान घाट पर शरीर को, और पीछे तो पहले काठ की देल होया करती, चौखट नीचे काठ की, उसमें कील गाट दिया करते जंतर मंत्र करके, कदे फिर ना जा उल्टा यो भूत है, और वो सारा जीवन खो दे उस कोठी बनाने में, उसको वापस प्रवेश निषेध। देखिए बुंडी बन रही हमारे साथ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो यहाँ से हृदय हटा दे। कबीर कहाँ गर्भ